भाई कहाँ पहुंचे? अरे आज आइए बढ़ाइए। अरे उत्पादन में कहां तक पहुंच गए थे और कहां से बढ़ेंगे आगे? काम करो, पहले प्रैक्टिकल कर लो, फिर थ्योरी के साथ अपना देंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी। सबसे पहले तो उत्पादन की परिभाषा आप जानते हैं, बड़ा क्या होता है? बड़ा उत्पादन उपयोग का योग्यता का सृजन क्या कहलाता है? बेटा उत्पादन योग्यता का सृजन क्या कहलाता है? बेटा उत्पादन बनाना, बेटा बनाना मतलब उपयोगिता को बढ़ाना या उपयोगिता को बनाना बनाना। उपयोगिता का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन और फलन होता है बेटा दो करोड़ के भौतिक। करोड़ के मध्य भौतिक डिमांड इज द फंक्शन मांग फलन है, तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत घटेगी तो मांग कीमत बढ़ेगी तो मांग। यहां पर सोन है आश्रित तो तंत्र आश्रित संबंध दर्शाता है बेटा उसे क्या? तो दो चरों के मध्य भौतिक संबंध दिखाएगा बेटा, वो क्या होगा? आज का साधन के और उत्पत्ति भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के साधन उत्पत्ति की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसका फंक्शन हो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यहां पर क्यों है बेटा? वो है उत्पत्ति है बेटा, उत्पत्ति की बेटा उत्पादन के उत्पत्ति साधन ज्यादा तो उत्पत्ति ज्यादा कम तो उत्पत्ति कम। यहां पे स्वतंत्र चर कौन है? स्वतंत्र चर है उत्पादन के साधन और आश्रित चर कौन है? उत्पत्ति की मात्रा। साधनों का तो उत्पादन होगा ना। अरे मैं आऊंगा जिस दिन इको क्लास आएगी उस दिन ही होगी, तो मैं छुट्टी ले लूंगा उस दिन इको की क्लास नहीं होगी। मैं तो स्वतंत्र हूं और क्लास क्या है बेटा? आश्रित। जैसे कच्चा माल होगा तो तैयार माल आएगा, कच्चा माल क्या हो गया? स्वतंत्र। तैयार माल क्या हो गया? आश्रित। तो बेटा उत्पादन के साधन भूमि पूंजी श्रम साहस ये होते हैं कौन से चर बेटा? और उत्पत्ति की मात्रा क्या है बेटा? दोनों के संबंध को कौन दिखाता है बेटा? उत्पादन उत्पादन के साधन और उत्पत्ति मात्रा के भौतिक संबंध को कहते हैं बेटा उत्पादन। कह रहे बेटा
मुद्दा आता है बेटा अल्पकाल, मुद्दा आता है बेटा क्या होता है अल्पकाल, अल्पकाल एक उत्पादक फर्म की है स्थिति साधन, तो कुछ साधन साधन क्या होते हैं बेटा और कुछ साधन क्या होते हैं, तो अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को टक्कर साधनों बढ़ाने शक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है अल्पकालीन उत्पादन या फिर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहते हैं बेटा उसको, परिवर्तनशील अनुपातों का अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का। अब यहां पर मुद्दा है कि टॉपिक को ध्यान से समझ, अल्पकाल में आपके पास एक रहेगा, ऐसे मान लो कि मशीन आपके पास, लेकिन लेबर आप कितने भी लगा सकते हो, एक साधन, एक साधन क्या हो गया, अब आप एक तकड़े हो पढ़ाते जा रहे हैं, इनके अनुपात बदल रहे हैं समान है, अनुपात एक अनुपात दो, एक अनुपात तीन, चार, एक अनुपात पांच, समान अनुपात क्या होते हैं, एक अनुपात एक, दो अनुपात दो, तीन अनुपात तीन, ये तो बेटा दीर्घकाल में हो सकता, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील, अल्पकाल में तो बेटा संभव नहीं बेटा, अल्पकाल में और एक को बढ़ाओगे बात को बदलते हैं बेटा, इसका नाम रखा गया है परिवर्तन बातों का, और जब आप एक और एक को बढ़ाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पर प्रभाव मान लो ये मशीन है जो 15 घंटे काम कर सकती है, घंटे काम कर सकती है बेटा, इस मशीन के साथ अपन ने पहला मजदूर लगाया और पहले मजदूर ने कितने घंटे काम किया और कुल उत्पादन कितना है बेटा, मशीन की कुल कार्य क्षमता कितनी 15 घंटे, हमने कितना इस्तेमाल किया, कार्य क्षमता बची है कि खत्म हो गई, एक लेबर और लगा दिया से भी 5 घंटे काम किया, उत्पादन कितना हो गया, उत्पादन क्यों बढ़ा, क्योंकि तो अभी तक हमने स्थिर साधनों का पूरा उपयोग नहीं, अभी भी इस कार्य क्षमता बची है कि खत्म हो गई है, बची है, बेटा इस साधन आप कितना लगा दो पत्ती बढ़ेगी नहीं, मशीन कार्य क्षमता समाप्त है बेटा, अगर अतिरिक्त मजदूर लगाओगे तो उत्पत्ति बढ़ेगी, लेकिन और ज्यादा लगाए तो मशीन ओवरलोड हो जाएगी, मशीन उत्पादन बढ़ाने की बजाय क्या कर देगी, कम खराब हो जाएगी मशीन, तो अल्पकाल में उत्पादन के एक साधन को रखकर एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर उत्पत्ति पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है पर अंत में आवश्यक है है घटती ही घटेगी, इसका एक एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने लास्ट टाइम याद होगा आपको, हमने एक बस खरीदी बेटा, ड्राइवर ड्राइवर कितने बेटा, बस कितनी है, 10 ड्राइवर बैठे कहाँ पे, जयपुर में 10 बैठे हैं दिल्ली में, पहले ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और कहाँ ले गया, आप पे दूसरा ड्राइवर रेडी बैठा था उसने बस को बंद भी नहीं किया, ऐसे वैसे इसका कहाँ ले आया, तो यहाँ पे रेडी बैठा था, तो था वहाँ पे रेडी बैठा था, पांचवा वो टीका पहुंचेगी बस टायर ही फट जाएंगे गाड़ी के, अपने इंजन खराब हो जाएगा भाई, एक स्थिर साधन है बाकी तो पर आप स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन आते जाएंगे तो कब तक, आज ये मशीन है पहले एक फैकल्टी लाके पढ़ाया, दो ने पढ़ाया, तीन ने पढ़ाया और फैकल्टी चेंज होती रही और 4 दिन से कंटिन्यू हो जाएगा, हमें तो
आंख हो गए, एक बड़ी भी तो होती है कि मान लो हम 7 बजे तो पढ़ा के गए और 7 बजे बाद तुरंत रिकॉर्डिंग वाले आ गए, तो सुबह 7 बजे तक रिकॉर्डिंग की, 7 बजे हम फिर आ गए, फिर हमने शाम को 7 बजे तक पढ़ाया, 7 बजे फिर रिकॉर्डिंग वाले आ गए, पंद्रह दिन 4 दिन हो गए, 5वें दिन मशीन, 7वें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए आपको एक टेबल और एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। टेबल और डायग्राम बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति और कुल उत्पत्ति, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, एमपी का फॉर्मूला बेटा 2 है। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा एक तो सवाल करना है और एक याद रखना है, एन एपी का फॉर्मूला, एक किसी भी चीज का औसत निकालना हो कहीं का भाग दे दो निकालने के लिए, या फिर मांस का जोड़ क्या होता है बेटा, कुल मांस का जोड़ ऐसे समझो बेटा, अगर सीमांत उत्पत्ति दी कुल और औसत निकालनी है, यहां पर टीपी का फॉर्मूला होगा दस और 8 4, एपी का फॉर्मूला टीपी बटा क्यू, 10 में 1 का भाग दिया तो 18 में 2 का भाग, अब अगर यहां पर क्या होता तो हम ए करते बेटा 10 × 1 मधुरी अठिया अचौक अब टीपीएन माइनस वन या फिर चेंज इन टीपी पहुंचे, एमपी का फॉर्मूला हो गया चेंज पहुंच, कितना चेंज बेटा यहाँ पे, यहाँ पर 10 में 1 का भाग, यहाँ कितना परिवर्तन है, यहाँ पर 8 में 1 का भाग, यहाँ पे 6/1 4/1/1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन काम में आता ही आता है बेटा, कई बार तो 3-3 पर देखे जाते, क्वेश्चन आया हुआ आपका नवंबर 19 और ये एक नहीं सॉल्व पोकट के 3 नंबर है,
सबके कर लो बेटा। पहले वाले का देखो ये 10 है, 10 और 8 18, 18 और 6 24, तो कुल टीपी में परिवर्तन 6, इकाई में परिवर्तन 1 है। टीपी क्या होगा सेकंड का, दूसरी इकाई का टीपी क्या होगा, एपी क्या होगा तीसरे का, एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन क्यू है, एमपी अपॉन क्यू नहीं, थोड़ा तीन क्या हो गया बेटा, कर लोगे क्या सॉल्व? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप फ्री के नंबर दे जाते हैं बेटा, आप फ्री के नंबर बट रहे हो ना बेटा भंडारा। साधन परिवर्तन साधन एमपी और एक परिवर्तन है टेबल को बनाने का तरीका मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, हालांकि एग्जाम में आपको टेबल बनानी नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसा भी आपने सॉल्व किया था, वहां पे कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा बेटा आप, लेकिन बीकॉम में जब ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी याद रखना बेटा, एमपी बना लेना, एमपी पहले बढ़नी चाहिए फिर घटनी चाहिए फिर ऋणात्मक, तो पहले तो बढ़े फिर घटे और बढ़ गई पहले फिर घट गई शून्य और फिर ऋणात्मक, तो टीपी हो गई 2 और 4 और 6 8 10 8 7 44 और ए पी निकालने के लिए टी पी बटा क्यू, 2 में 1 का भाग, ए में 2 का भाग, 12 में 3 का भाग,
पत्ती पहले बढ़ती है, फिर होती है, घटती है, तापमान घटती है, पाद उत्पत्ति बढ़ती है, घटती है। इस बिंदु पर शून्य होती है ऋणात्मक, जबकि औसत उत्पत्ति पहले बढ़ता है, दिमाग को काटता है और काटने के बाद नीचे की तरफ गिरता है। ये प्रथम अवस्था है, ये अवस्था और तृतीय। समझिए बेटा, यहां से लेके और यहां तक उत्पादन की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में जो कुल उत्पत्ति है वो लगातार बढ़ती हुई होती है, लेकिन सारणी में देखिए, आपने टीपी बनाया था एमपी को जोड़ के, तो जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। दो चार छ आठ दस, जब तक वो बढ़ रहा था तो टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ रहा था, और जब एमपी घटा तो टीपी घटती दर से बढ़ा। जब तक एमपी बढ़ेगा, एमपी का जो टीपी है, जब तक एमपी बढ़ेगा टीपी बढ़ती दर से बढ़ेगा। इससे पहले दो से बढ़ा चार, उसे छह हुआ था ना, चार बार बढ़ा, छह से हो गया बारह, छह बार बढ़ा, फिर हो गया बीस, आठ बार बढ़ा, फिर हो गया तीस, दस बार बढ़ा बढ़ती दर से। और जब वो एमपी घट रहा है तो घटती दर से बढ़ रहा है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन बनेगा, उत्पादन की प्रथम अवस्था में टीपी किस दर से बढ़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ती दर, या घटती दर, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है बेटा? क्यों सी क्यों? क्योंकि पहले वो बढ़ती दर से बढ़ रहा, फिर वो पहले बढ़ती दर से और फिर तो प्रथम अवस्था में जिस बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ता है और जिस बिंदु पर एमपी अधिकतम हो जाती है, इसे कहा गया है मुड़ाव का बिंदु। क्या कहते बेटा इसको हम? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मुड़ाव के बिंदु पर एमपी क्या होता है? घटता हुआ, बढ़ता हुआ, अधिकतम, न्यूनतम, तभी तो है। अरे एमपी यहां पर अधिकतम ही तो है, और जहां पे एमपी अधिकतम होती है उसी को बोलते हैं मुड़ाव का बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? गुड। अब प्रथम अवस्था में टीपी पहले बढ़ती दर से और फिर घटती दर से बढ़ रहा है, एमपी बढ़कर घटना शुरू हो चुका है, जबकि औसत उत्पत्ति लगातार बढ़ रही है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अवस्था समाप्त कहां पे होती है? कहां पर एमपी और एपी बराबर होते हैं बेटा? एमपी बराबर एपी, या फिर एपी अधिकतम होता है बेटा, क्योंकि तो जहां पे एमपी एपी काटते हैं ना, वहां पे एपी अधिकतम होता है बेटा। एपी क्या होता है बेटा? एमपी घटता हुआ और एमपी एपी अधिकतम, एपी अधिकतम, एमपी एपी बराबर। यहां पर प्रथम अवस्था समाप्त रहती है बेटा और शुरू होती है द्वितीय अवस्था।
तो द्वितीय संपूर्ण अवस्था में एमपी घट रहा है, इससे यहां पर अब तीन घटती दर से बढ़ रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय अवस्था में टीपी कौन सी दर से बढ़ता है, तो पूरी में ही घटती से, क्योंकि इस पूरी अवस्था में एमपी घट रहा है। तो प्रथम अवस्था में तो बढ़ती घटती दोनों दर से बढ़ता है, लेकिन द्वितीय अवस्था में सिर्फ घटती दर। इस अवस्था में एमपी घटती अंत में क्या हो जाती है, शून्य, और टीपी घटती दर से बढ़ता और बाद में क्या हो जाता है, अधिकतम, अधिकतम या स्थिर। जबकि एपी इस पूरी अवस्था में, अब क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय अवस्था कहां पे समाप्त होती है, एमपीए भी जहां काट रहे हैं वहां प्रथम अवस्था खत्म हुई थी बेटा, एपीए भी कहां काट रहा है, एपी हो रहा, एपी ये रहा, कहां से काट रहा है भाई। तो अवस्था दिखाने के लिए लाइन मिलाई है हमने, एमपी घट रही है बेटा, घट रहा है बेटा। तो द्वितीय अवस्था वहां पे समाप्त होती है जहां पे टीपी होता है अधिकतम, एमपी होता है शून्य। जबकि तृतीय अवस्था, हाँ बना लो बेटा, और बनाना है तो बना लो बेटा। पहले बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, फिर घटेगी बेटा, नहीं बेटा एमपी अधिकतम होगा, टीपी बढ़ता होगा बेटा, भी तो बड़ी रहना बेटा, यहाँ पर पड़ाव के बिंदु पर भी तो बढ़ता हुआ होगा, एमपी अधिकतम होगा बेटा।
तीसरी अवस्था में जो टीपी है बेटा वो घट रहा है, एमपी ऋणात्मक हो गया है। क्योंकि दो जो सबसे अलग चीज है वो यही हो रही है, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में टीपी कभी भी घटा नहीं था, पहली बार घटा है, और एमपी पहली बार क्या हुआ है, ऋणात्मक। तो तीसरी अवस्था में जो स्पेशल चीज हो रही है वो है एमपी का ऋणात्मक होना और टीपी का घटना। टीपी तो पहले भी घट रहा था और अभी भी घट रहा है। तृतीय अवस्था में एमपी हमेशा ऋणात्मक होती है और टीपी हमेशा घटती होती है बेटा। प्रथम अवस्था को नाम दिया गया बढ़ते प्रतिफलों की अवस्था। तो प्रथम अवस्था को नाम दिया गया बढ़ते प्रतिफलों की अवस्था, दूसरे को नाम दिया गया घटते प्रतिफलों की अवस्था, और तीसरा ऋणात्मक प्रतिफलों की। क्लियर? फर्स्ट में बढ़ी रहे, सेकंड में एमपी भी घट रहे हैं इसलिए घटते प्रतिफल, और थर्ड में एमपी ऋणात्मक हो गया इसलिए ऋणात्मक प्रतिफल। अब जो जो आपने डायग्राम में बनाया वो सब आप सामने चेक कर सकते हैं। बढ़ते प्रतिफलों की अवस्था, इस चरण में कुल उत्पाद बढ़ते क्रम में बढ़ता है उस बिंदु तक, चित्र में एफ बिंदु बताया गया यानी मुड़ाव का बिंदु। सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है और वह भी एक बिंदु पर अधिकतम होते हुए। तो वर्तमान प्रतिफलों की अवस्था, इस अवस्था में कुल उत्पाद एक बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ता है, तो क्या बताया गया है, एफ बिंदु। सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और वो अधिकतम हो जाता है बेटा एफ बिंदु तक। एफ बिंदु पे देख लो एमपी अधिकतम है, इसके बाद कुल उत्पादन बढ़ता रहता है लेकिन उसकी बढ़ने की दर क्या हो जाती है, कम, यानी घटती दर से बढ़ेगा। सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन शून्य नहीं हुआ है, अभी ऋणात्मक नहीं हुआ है। प्रथम अवस्था वहां पे समाप्त होती है जहां पर एपी अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है, या फिर जहां पर एमपी बराबर एपी होता है। मैच कर रहा है, एक एक वर्ड डायग्राम, एक एक वर्ड मैच कर रहा है। अब आ जाओ बेटा द्वितीय अवस्था, इसे कहते हैं ह्रासमान प्रतिफलों की अवस्था। कौन से प्रतिफल? द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से उस समय तक बढ़ता है जब तक कि अपने अधिकतम बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। कोई बात आ गई? दूसरी अवस्था में कैसे बढ़ रहा है बेटा वो, और तब तक बढ़ेगा जब तक वो अधिकतम ना हो जाता है। यहां पर दूसरी अवस्था क्या हो जाती है, इस अवस्था में सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटते हैं लेकिन धनात्मक होते हैं। इस स्थिति के अंत में सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, द्वितीय अवस्था को ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था की स्थिति कहा जाता है।
क्योंकि एमपी और एपी घट रहे हैं, और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विवेकशील उत्पादक इसी अवस्था में उत्पादन करेगा। बेटा एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता का, और उत्पादक का होता है अधिकतम उत्पत्ति। तो अगर वो प्रथम अवस्था तक ही रुक जाए उसकी अधिकतम उत्पत्ति है ये, और द्वितीय में जाए तो अधिकतम उत्पत्ति है ये। ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? प्रथम में कि द्वितीय में? तो उसको उत्पादन कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तो कहाँ उत्पादन करना चाहिए उसको? तो कुल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए एक विवेकशील उत्पादक सदैव उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करेगा। अरे बेटा तीसरा होता है बेटा ऋणात्मक प्रतिफल। तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, देख लो, औसत उत्पादन घट रहा है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, औसत उत्पादन घट रहा है, और इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफलों की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में एमपी ऋणात्मक है। लेकिन एक चीज और ये भी नोट करना जरूरी है कि कुल उत्पत्ति घट रही है इस अवस्था में, कुल उत्पत्ति की और ये बेटा घट करें बेटा। और परिचालन की बात करें तो एक विवेकपूर्ण उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में उत्पादन करेगा। कौन उत्पादन करेगा बेटा? तो बेटा यहां पर आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम खत्म होता है बेटा। अब जो भी डाउट जितने भी हैं पूरा चेक कर लीजिए, जो भी डाउट है पूछ लीजिए। जो भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी है आराम से देख लीजिए और पूछ लीजिए। अवस्था तृतीय अवस्था समाप्त नहीं होती बेटा। अरे तृतीय में जाएगा ही कौन? तो तृतीय में कोई जाएगा ही नहीं ना बेटा। जाएगा तो कब तक खत्म होगी? या वो खत्म नहीं होगी बेटा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा बेटा, खेल ही खत्म, पैसा खत्म। सॉरी डाउट एनी क्वेश्चन? तो दीर्घकालीन खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास में आपका उत्पादन समाप्त, ताकत